खरगोन जिले के बरुड़ पुलिस थाना में नवागत थाना प्रभारी पिंटू सिंह बघेल के नेतृत्व में होली, भगोरिया, गणगौर, रंगपंचमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को देखते हुए शांति समिति के सदस्यों, पत्रकारों और ग्रामीणों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में थाना प्रभारी द्वारा आगंतुकों को बताया गया कि कोई भी व्यक्ति रंग पंचमी और धुलंडी पर रंगों का प्रयोग देख कर करे और ऐसे रंग न लगाए जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। साथ ही त्योहारों पर शराब पीकर झगड़ा न करे। आपसी भाईचारे के साथ किसी प्रकार का विवाद खड़ा किया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज की बैठक में कई ग्रामीणों के साथ सामाजिक बंधुओं ने भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर थाना प्रभारी को आश्वस्त किया कि हमारी ओर से पूर्ण रूप से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। बरूड़ से रामेश्वर कुमरौत की रिपोर्ट। वहाँ से पानी ले आते हैं जो टॉयलेट का है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें हम लोग, है ना, वो शांति और सौहार्द बना रहे हैं, है ना। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, मगर मैं देखा तो है मैंने कि आपका बरूड़ है काफ़ी अच्छा है, लोग सभी है ना, आपकी सभी सोसाइटी के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, तो यहाँ पर शांति बनी रहती है और इसके पहले भी ऐसा कभी कुछ घटना हुई नहीं है और अपेक्षा करता हूँ कि अभी भी नहीं हो, है ना। और हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग है ना आपस में भाईचारा बनाए रखें, किसी प्रकार से वाद विवाद ना हो, है ना, आपस में। रक्षा समिति की बैठक बुलाई है तो इसमें से क्या क्या निर्णय हुआ है? इसमें हम लोगों ने जैसे आगामी त्यौहार जो भगोरिया है और आपका रंगपंचमी आ रही है और जो गणगौर त्यौहार आ रहे हैं, तो इसके संबंध में हम लोगों ने आप ग्राम रक्षा समिति की बैठक बुलाई और इसमें ये निर्णय लिए गए कि शराब पीकर है ना किसी प्रकार से ना शांति भंग ना करें और इको फ्रेंडली त्यौहार इको फ्रेंडली रंगपंचमी मनाया जाए और किसी भी प्रकार से वाद विवाद ना करें ना, और महिलाओं का सम्मान करें और पानी का व्यर्थ यूज़ ना करें ना, और शराब पीकर किसी भी प्रकार का हुड़दंग ना मचाएं ना, और शांति एवं सौहार्द का माहौल बना रहे हैं, यही हम अपेक्षा करते हैं मेरे जो बरूड़ के ग्रामवासियों से और जो बरूड़ कस्बा है उससे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।